अबे तुझे कितनी बार समझाया है, बता, अकल नहीं है? बोल। हाय गाइस, दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने शुरू में देखा, एक प्रोफेशनल तरह का डबल रोल वीडियो आपको बनाना सिखाऊंगा मैं। अब वैसे तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है कि डबल रोल वीडियो कैसे बनाएं, जुड़वा वीडियो कैसे बनाएं, लेकिन उसमें क्या होता है, आप अपने सामने वाले, मतलब जो आपको जुड़वा है, उससे आप हाथ नहीं मिला सकते ना फिर उसको तमाचा मार सकते हैं। आप मारने जाएंगे तो कट जाएगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं आपका हाथ मतलब कट जाएगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पास। तो वो कुछ इस तरह का बताते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि इसको बनाने के लिए हमको ग्रीन स्क्रीन, मतलब हरा पर्दा नहीं चाहिए होता है, और जो मैं आपको सिखाऊंगा उसको बनाने के लिए आपको हरा पर्दा चाहिए होगा। तो चलो ज़्यादा दोस्तों बोर नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमको अपनी वीडियो कैसे शूट करनी होगी और किस एप्लीकेशन से, मतलब किस एप्लीकेशन से एडिट करनी होगी। तो गाइस देखो, ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमको जो अपनी वीडियो शूट करनी है वो हमको हरे पर्दे पर करनी है। आपको चाहिए एक हरा पर्दा या फिर नीला पर्दा, और उस पर खड़े होकर आपको अपनी पहली वीडियो कुछ इस तरह से शूट करनी है। एक्टिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं आपको अपनी पहली वीडियो कुछ इस तरह से शूट करनी है। ओके गाइज, फिर आपको अपनी दूसरी वीडियो आप चाहे तो हरे पर्दे पर ही कर लें या फिर पर्दा हटाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो पर्दा हटाकर की थी, तो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप दूसरी वीडियो शूट कर सकते हैं अपनी एक्टिंग वगैरह करके, दूसरी वीडियो कुछ इस तरह से आप शूट कर सकते हैं। अब इसको एडिट करने के लिए हमको चाहिए काइन मास्टर एप्लीकेशन, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डाउनलोड कर लो। ओके गाइज, फिर हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। उससे पहले अगर आपको आता है वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर देना। तो चलो भाई। सो गाइज, बहुत सिंपल है, आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ क्लिक करके और 16:9 वाला रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी वीडियो इसी में बनती है। फिर हमको मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद हमको अपनी सबसे पहली वीडियो को ले लेना है, मतलब जो हमने बिना इस ग्रीन स्क्रीन पर शूट की है वो वाली वीडियो को, जो कि कुछ इस तरह है हमारी वो वीडियो। तो इसके हम थोड़े जो ये कैमरे में देखता है ये इतना हम थोड़ा कट कर देते हैं आगे से, यहाँ जाकर कैंची पर जाकर ऐसे हम कट कर देंगे, और लास्ट वाला भी हम थोड़ा कट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके गाइज, फिर हमको क्या करना है, सिंपल लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और हमको अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को यहाँ से ले लेना है। अब ये वीडियो लेने के बाद इसका भी जो कैमरे में देखता है ये हिस्सा हमको थोड़ा कट करना है, और ये हिस्सा कट करने के बाद हमको फालतू का हिस्सा कट कर देना है कुछ इस तरह से। इसको प्रेस करके इधर ले आना है और फिर इसको क्रॉप करना है, जैसे देखिए जहाँ जहाँ ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है इस हिसाब से हमको यहाँ से क्रॉप कर देना है। अब क्रॉप करने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्रोमा की में आना है, इसको इनेबल, सॉरी चलते हैं इसको पहले इधर साइड कर देते हैं, देन गाइस हमको यहाँ क्रोमा की में आना है और इसको इनेबल कर देना है, और फिर इसको अपने हिसाब से बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं और अच्छे से थोड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ के पास कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन है। तो गाइस इसको करने के बाद हमको इसको बड़ा करना है और सेट कर देना है इस साइड पे। अब हम देखते हैं थोड़ा जो गाल घुमाता है अपना और सही बैठा है कि नहीं वो चीज़, जैसे तमाचा मारा इसने तो गाल इसने थोड़ी देर बाद घुमाया कुछ इस तरह से, तो मतलब पहले मेरा हाथ चल चुका है। तो गाइस इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी ये वाली वीडियो हम कट कर देते हैं इधर से, और अब देखते हैं। तो गाइस अब देखिए एकदम परफेक्ट हो चुकी है एडिटिंग, कहीं भी हाथ वात मेरा कट नहीं रहा है, आवाज़ सुनने को आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है। और गाइस ये एकदम रियलिस्टिक वीडियो, मतलब रियल वीडियो लगती है कि हाँ लगता है, एडिटिंग तो है ही, वो तो सभी को पता चल ही जाएगा, लेकिन हाँ मतलब कोई, मतलब एक प्रोफेशनल एडिटिंग लगती है। फिर हमको ये लास्ट का फालतू का हिस्सा जो भी है वो कट कर देना है, और सिंपल है अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। एक बार आपको चलाकर दिखा देते हैं, तो गाइस मेरे पास तो बहुत छोटी सी ग्रीन स्क्रीन, मतलब हरा पर्दा है आपके, और छोटी सी जगह भी है, आपके पास बड़ा पर्दा होगा बड़ी जगह होगी तो ये काफी अच्छी वीडियो आप बना सकते हैं, जितने ज्यादा आप टाइम देंगे उतनी अच्छी वीडियो आप बना सकते हैं। ओके गाइस, तो चलो हम इसको सेव कर लेते हैं, आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। ओके गाइस, सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, उम्मीद करता हूँ कि अब आप बनाना सीख भी होंगे, तो जाओ बनाओ यार, और बनाओ बस, बाय।